हेलो एंड वेलकम टू एवरीडे किचन एंड क्राफ्ट। कोई भी चीज़ केक हो या कोई केक की आइसिंग, क्रीम चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है और बहुत से शहरों में ये इजीली अवेलेबल नहीं रहता, तो इसलिए आज हम बनाएंगे लो कॉस्ट होममेड क्रीम चीज़। ये बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही कम इन्ग्रीडियंट्स के साथ बन जाता है। तो इसके लिए हमने लिया है करीबन 1 लीटर फुल फैट मिल्क, 1 चुटकी नमक, 1 नींबू और 2 टेबलस्पून दही। तो क्रीम चीज बनाने के लिए सबसे पहले हम पनीर बना लेंगे। इसके लिए हमने एक पतीले में दूध गर्म करने के लिए रख दिया है। थोड़ी ही देर बाद दूध उबलने लगा है। अब हम इसमें डाल रहे हैं करीबन 1 टेबलस्पून नींबू का रस और इसे हम चलाते रहेंगे। ये अच्छे से मिक्स हो गया है। हम फिर से इसमें करीब 1 टेबलस्पून नींबू का रस डाल देंगे। जब तक दूध अच्छे से फट नहीं जाता है, हम ये प्रोसेस रिपीट कर रहे हैं। हमने लास्ट बैच भी नींबू के रस की डाल दी है। गैस हमने धीमी आंच पे रखी है और जैसा कि आप देख सकते हैं, दूध अच्छे से फट चुका है और मिल्क सॉलिड्स दूध से अलग हो गए हैं। अब हमें पनीर और पानी अलग कर लेना है। हमने एक बर्तन लिया है, उसमें हमने एक स्ट्रेनर रखा है और उसके ऊपर हम रख रहे हैं कोई भी कॉटन का कपड़ा या फिर चीज क्लॉथ। हम इसे अच्छे से छान लेंगे। और अब हम इसे करीबन आधे घंटे के लिए ढक के ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। आधा घंटा हो गया है और ये पनीर बिल्कुल ठंडा हो गया है। इसमें से पूरा पानी भी निकल गया है। अब क्रीम चीज बनाने के लिए हम आधा पनीर ले लेते हैं और उसे डाल देते हैं मिक्सर के जार में। हम डालते वक्त इसके छोटे टुकड़े कर देंगे। इसमें हम डाल देंगे करीबन 1 टेबलस्पून दही और 1 पिंच नमक और अब स्मूथ होने तक हम इसे अच्छे से पीस लेंगे। पनीर को हमने मिक्सर में अच्छे से पीस लिया है और जैसा कि आप देख सकते हैं, इसका टेक्सचर बिल्कुल क्रीमी हो गया है। तो ये हमारा क्रीम चीज बिल्कुल रेडी हो गया है। इसे हम निकाल के कोई एयरटाइट कंटेनर में रख देंगे और जब चाहे इससे हम बहुत ही लजीज फ्रॉस्टिंग बना सकते हैं। तो आप भी ये क्रीमी चीज बनाना घर पे जरूर ट्राई कीजिएगा और ऐसी रेसिपीज के लिए सब्सक्राइब कीजिए एवरीडे किचन एंड क्राफ्ट।